हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों, अपना डेस्कटॉप को या फिर लैपटॉप को जब कभी भी ओपन करने के लिए जाते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ आपको यहां पे एरर मैसेज देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, योर विंडो लाइसेंस विल एक्सपायर सून, और नीचे में लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिव विंडो इन सेटिंग। ऐसा कुछ लिखा हुआ के बाद दोस्तों आपको यहां पे मैनी प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलता है, ना ही आपको यहां पे जो विंडो का प्रोडक्ट की पता होता है या फिर कैसे ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है ये आपको भी पता नहीं होता है। आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, पूरी डिटेल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा विंडो लाइसेंस विल एक्सपायर सून, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपको यहां पे टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, देन आपको यहां पे टास्क मैनेजर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका विंडो 7 है या फिर 10 है तो टास्क मैनेजर देखने के लिए मिलेगा। 11 है तो दोस्तों आपको यहां पे कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट आपको यहां पे प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहां पे टास्क मैनेजर देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे टास्क मैनेजर यहां पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको यहां पे फाइंड करना है विंडो एक्सप्लोरर, देखने के लिए मिलेगा ये आ चुका है। इसमें आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे एन टास्क लिखा हुआ है, एन टास्क पर आपको यहां पे क्लिक करना है। देन आपका जो विंडो है दोस्तों यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो सकता है या फिर व्हाइट स्क्रीन हो सकता है, आपको डरना नहीं है। देन आपको यहाँ पे फाइल पर अपना एरो को रखना है, देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल पर एरो पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे टास्क न्यू रॉन न्यू टास्क लिखा हुआ है। इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों explorer.exe, देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है explorer.exe, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका विंडो है वो आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से अपना जो कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना है। दो नंबर मेथड पर दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे CMD लिखना है, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओपन हो जाएगा कमांड प्रोमोट। इसमें लिखना है दोस्तों ऐसा कुछ लिखना है SLMGR, देन आपको यहाँ पे स्पेस देना है और एक लाइन देना है यानी कि हाइपेन देना है। हाइपेन देने के बाद REM लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। प्लीज आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आपको एक बार अपना डिवाइस को रिस्टार्ट कर देना है। देन आपको तीसरे नंबर मेथड पे दोस्तों आपको फिर से आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सर्विस लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको ढूंढना है विंडो लाइसेंस मैनेजर सर्विस, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा विंडो लाइसेंस मैनेजर सर्विस। इसमें आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर चले जाके यहाँ पे स्टार्टअप टाइप पर यहाँ पे आपको मैनुअल होगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों अपना यहाँ पे सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट जरूर करना है। देन आपको यहाँ पे चौथे नंबर मेथड पे दोस्तों आपको यहाँ पे चले आना है। आपको यहाँ पे विंडो प्लस आर यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद ये जो कोड है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट बता देता हूँ, क्योंकि ये विंडो 11 में काम नहीं करता है, विंडो 7 में और 10 में ये काम करेगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये स्टेप आपको यहाँ पे करना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों 5 नंबर मेथड पे दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये कोड आपको अपना कमांड प्रोमोट के अंदर लिखना है। एज इट इज जो मैं लिखा हूँ एज इट इज आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों एंटर प्रेस आपको कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट की है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा विंडो का। ये जो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे चलिए मैं बैक चले आता हूँ। चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पर सिस्टम लिखना है। सिस्टम लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे चलिए मैं सिस्टम पर क्लिक करता हूँ। देन एक्टिवेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अपग्रेड लिखा हुआ है। चेंज प्रोडक्ट की पर यहाँ पे चेंज पर क्लिक करके जो भी आपको प्रोडक्ट की मिला होगा कमांड प्रोमोट के अंदर उसमें एजिटी जैसे आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे विंडो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं 5 मेथड बताया हूँ विंडो लाइसेंस का प्रॉब्लम आपका पूरी तरह से एक भी करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों एक करते हैं काम नहीं करता है तो दूसरा आपको यहाँ पे एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना है, 100% गारंटी काम करेगा। ठीक है,
दोस्तों आपने देख लिया कि योर विंडो लाइसेंस विल एक्सपायर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी डिटेल पर मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और भी ऐसे औसम वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।